So everyone is turning back in, no, everything is fine, but the reality is that nothing is fine and everyone is suffering. अभी आर्टिकल 370 के बारे में कश्मीरी लोगों ने कि यहाँ पे एक प्रदर्शन किया था उसके बारे में इनके जो ऑर्गेनाइजर उसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बताइए आप लोगों ने क्यों किया था, क्या रीज़न था, मकसद क्या था? रीज़न ये है कि देयर इज अ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन ब्लॉकेड इन कश्मीर. अच्छा, फर्स्ट टाइम आई एम अराउंड 34 ईयर्स ऑफ एज. दिस द फर्स्ट टाइम आई हैड नॉट बीन एबल टू स्पीक टू माई फैमिली फॉर अ पीरियड ऑफ 20 डेज. मैं ईद पे सलाम भी नहीं कर पाया उनको. अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं आपको, ये जो उन्होंने किया है हमारे को पूछने के बगैर कर दिया, कुछ ग्रेड तो किया नहीं उसमें. तो एक्चुअली आर्टिकल 370 में सेंटर के पास ज़्यादा राइट्स थे, अब सेंटर के पास राइट्स नहीं, वो कोई बात नहीं करता उसका. आई मीन ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं. आई मीन दिस जस्ट टू क्रिएट अ साइकोसिस. कश्मीर वाज बूमिंग विद टूरिज्म, पीपल वर कमिंग, सबको निकाल के हमें स्टेज में डाल दिया. क्या उससे ज्यादा तकलीफ नहीं है जिस तरह से किया है और जो अभी कम्युनिकेशन बंद है उससे आप लोगों को ज्यादा? सर मैं कौन हूँ बोलने वाला? मैं तो एक्वेंटर नहीं हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में देखिए जो प्ली डाला है मिस्टर कपिल काक ने, मिस्टर मेहता ने, वो मेजर जनरल रह चुके हैं कश्मीर आर्मी के, कपिल काक एयर वाइस मार्शल रह चुके हैं, उनकी आइडियोलॉजी, वो क्यों प्ली डाले? अगर सही था व्हाई डिड दे पुट द प्ली इन द सुप्रीम कोर्ट? दे शुड हैव सपोर्टेड इट. दे नो इट इज नॉट. आप लोग क्या हाल है वहाँ पे? हाल बिल्कुल नहीं. मैं अभी तक बात नहीं करा क्या? 10-10 घंटे क्या मेरी फैमिली, मेरे ओल्ड माई फादर विल स्टैंड इन द क्यू टू टॉक टू मी. 10-20 दिन हो गए सर, कोई बात नहीं हुई है. 4 को बात की उसके बाद अभी तक कोई बात नहीं हुई सर. उससे बाद क्या बोलूं? कोई कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन नहीं सर. जो दिखाया जा रहा है सारा चीज नॉर्मल है उसका. प्लीज अभी आप तो भरोसा उठ गया जी. अब मेरे को ये समझ आ रहा है कि हम खुदा ना खास्ता हम फैशिज्म में तो नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि जो मीडिया दिखा रही है सब बकवास दिखा रही है सर. ये कुछ कहीं और में चेरी पिक करके कहीं और की ईद के फोटो डाल के दिखाएंगे यार. ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं यार, मस्जिदों में नहीं घुसने दिया यार. मेरे भाई थे उधर, उन्होंने तो शेयर किया अपना एक्सपीरियंस स्टेज पे, बोला उन्होंने कि दे वर फिजिकली प्रेजेंट. आई नो ही हैड टू स्टैंड इन क्यू फॉर 10 आवर्स, देन ही कॉल्ड मी आफ्टर 10 आवर्स, ही कॉल्ड मी एंड देन आई हैड टू सेंड हिम द टिकट. ही टोल्ड मी टू प्लीज बुक माई टिकट. आई कैनॉट बुक द टिकट, देयर इज नथिंग, हाउ कैन यू बुक द टिकट? देन आई हैड टू गो बैक. ही टोल्ड मी आई विल कॉल यू आफ्टर 2 अनदर, द थर्ड डे ही स्टूड अगेन फॉर 8 आवर्स एंड देन कॉल्ड मी एंड देन आई गेव हिम द PNR नंबर. You can see the tyranny of the situation. मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं होगी? एक 5% सच्चाई होगी. 5% सच्चाई क्या होती है? आपने DC ऑफिस का खोल दिया लैंडलाइन यार, 1 करोड़, 10 मिलियन पीपल हुई है, राइट? 10 मिलियन पीपल, कैन यू इमेजिन विद 24,000 दे आर सेइंग, आई डोंट नो दैट नंबर इज करेक्ट ऑल्सो, मे बी सम 100 लैंडलाइन, इज इट करेक्ट? 1 करोड़ पीपल, How will they, when will they get chance to speak यार? कुछ आइडिया है कि जो बंद है तो लोग जो अंदर फंसे उनके खाने पीने का कुछ क्या पता है कि क्या? बिल्कुल, there are many journals. So the international media is doing a very good job. They are on the ground. They have been speaking to people there. They know and there are many doctors. See, I have ground realities. I have my sister, Azmat. I have my sister here. Her mother is a gynecologist. They are saying that they are running out of medicines. There are no medicines. तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन और सप्लाई कुछ नहीं हो रहा है नहीं ना, ये देखिए, हर मदर इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, राइट? व्हाट इज द स्टेट ऑफ मेडिसिन? माय मदर इज अ गायनेकोलॉजिस्ट इन वन ऑफ द प्रीमियर हॉस्पिटल्स इन कश्मीर, एंड व्हाइल देयर इज नो इमीडिएट शॉर्टेज ऑफ मेडिसिंस रिपोर्टेड इन हर हॉस्पिटल, शी कैन ओनली स्पीक फॉर हर ओन हॉस्पिटल एंड बिकॉज देयर इज नो कॉन्टैक्ट विद एनी अदर हॉस्पिटल्स एट ऑल. I mean, obviously, there are people from far-flung areas who are not able to get in touch with any sort of medical facilities. There are pregnant women who have had to be carried on stretchers made of bed sheets and taken to towns because there's no way to access an ambulance. There is no way to get in touch with any sort of transportation. So they already live in remote areas. They've had to be transported on bed sheets till the town and then they have had to hitchhike. So these are the kind of problems, genuine problems that people are facing because of this communication blockade. I don't understand how hard it is to understand what this is, what the kind of problems that this is causing. Can you imagine something of this sort being done in Karnataka? The state is going to shut down in a matter of minutes. Thank you.
अभी डॉक्टर भानु प्रसाद हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करके हैं यहाँ जो कश्मीरी लोगों ने बोल रहे थे जो इनके ऊपर अन्याय हो रहा है उसके बारे में इनका क्या करना है ये जानने की कोशिश करते हैं। सर इसके बारे में ब्रीफ बताइए क्या हुआ। देखिए आरएसएस जो है वो मनुवादी है और ब्राह्मणों का जो पार्टी है वो ब्राह्मण ही विदेशी है, वो यूरेशिया से आए हैं और यहाँ पे जो मूल निवासी है कश्मीर की मूल निवासी कश्मीरी है, कर्नाटक की मूल निवासी कन्नड़ी का है, पर उनको अधिकार नहीं देंगे, वो उनको ज़मीन रखने का भी हक नहीं देंगे, उनको पैसे का हक नहीं देंगे। वो मनुवाद में बोला था ना सिर्फ ब्राह्मण ही सब कुछ, उनके पास ही लैंड होना चाहिए, उनके पास ही पैसा होना चाहिए, उनके पास ही पावर होना चाहिए, वैसा सिस्टम मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और वो बोलते हैं इस्लाम आ गया तो शरिया आ जाएगा, ऐसा बोल के वो मनुस्मृति लाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये लोग कश्मीर को आर्टिकल 370 एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दे रहा है। मैं बोलता हूँ हर एक स्टेट को आर्टिकल 370 चाहिए। ये गुजराती गुंडागिरी चल रहा है भारत में, ब्राह्मण का मनुवाद चल रहा है, इसको बंद करना चाहिए। तो अभी सोल्यूशन आपको क्या लगता है? सोल्यूशन हमारा प्रोटेस्ट जारी रखना है, बरकरार रखना है, रोज रखना है। अभी नागालैंड में आर्टिकल 370 है, दूसरे मणिपुर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, गुजरात में भी एक क्लॉज है आर्टिकल 370 का और कर्नाटका को भी एक अप्लीकेबल है, नॉर्थ कर्नाटका गुलबर्गा कर्नाटका वासियों को उधर उनको काम चाहिए और उनको सरकार में भर्ती होना है, ये सब आर्टिकल प्रोविजंस है। पर अचानक एक स्टेट को जो आर्टिकल 370 है उसको पूरा निकालना और वो भी पूरे राज्य के वासियों को उनके घर में ही हाउस अरेस्ट करके रखना, ये क्या कैसा न्याय है? इन्होंने ये जो इलेक्शन जीता है ये जीता नहीं है, ये छल से जीता है, इन्होंने मैनिपुलेशन किया है। ईवीएम मैनिपुलेशन तो गारंटी होता है, अभी वीवीपैट मैनिपुलेशन का खातरी होना है हमें बस। और इलेक्शन कमीशन तो मैनिपुलेट हो चुका है, पूरा इलेक्शन प्रोसेस मीडिया मैनिपुलेशन से इन्होंने ये पावर पे आया है। तो क्या 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 सच है इनमें? बहुत झूठे हैं, मक्कार है और ये हर एक भारत के मूल निवासियों को एक दूसरे से झगड़ा करना चाहता है। यहाँ तक इतने घटिया इंसान हैं ये लोग, वो कश्मीर की लड़कियों को शादी करेंगे, कश्मीर में अपना बिजनेस करेंगे। अगर यहाँ पे कॉफ़ी डे का सिद्धार्थ मलिया मर गया तो वो बोलते हैं अभी कॉफ़ी डे हड़प लेंगे ब्राह्मीण लोग, ऐसा बोलते हैं ये लोग। इतना घटिया मनस्थिति का है वो। और ये अमित शाह के ऊपर तो जज को मारने का इल्ज़ाम था और ये जेल में गया हुआ है, जेल गया हुआ आदमी होम मिनिस्टर बन गया, ये हमारा विपर्यास है। ये हम लोग इम्पोर्टेंट हो गए कि ऐसे आदमी उधर उधर बैठा है? और झूठा जो 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 आदमी अपना एजुकेशन नहीं बोल सकता वो प्राइम मिनिस्टर बन गया है।